हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। गाइज, एक बार फिर से एनएससी ने मार्केट को दे दिया है एक और शॉकिंग न्यूज। एक तो शॉकिंग न्यूज आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी तो जाके विजुअल इफेक्ट के साथ सुन लो। आप एक पूरी की पूरी वीडियो हमने डाल दी है जिसमें लॉट साइज चेंज कर दिया गया है निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का, और इसके पीछे की असली वजह, किसको फायदा किसको नुकसान होगा, सब कुछ एक वीडियो में बता दिया है। इस न्यूज के बाद एक और धमाका आज के दिन एनएससी ने कर दिया है, और वो धमाका है चार नए इंडेक्स लॉन्च करने का। अभी आपको न्यूज मुश्किल से ही मालूम होगी, लेकिन हमने सबसे पहले अपने न्यूज चैनल पर शेयर कर दिया था, और किसी भी न्यूज चैनल पर आने के पहले, मैं बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, आपको हमारे टेलीग्राम की न्यूज चैनल पर देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर जो आप इससे जुड़े हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी सबसे पहले न्यूज मिल सके, और नहीं जुड़े हो तो भी डिस्क्रिप्शन में दो नंबर पर लिंक है, जरूर जुड़ जाओ। और नंबर एक पर लिंक है एक और चैनल का, जिसको जरूर ज्वाइन करो, जहां पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे और बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारी लर्निंग मिलती है, तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो गाइस, फिर से एनएससी ने एक और धमाका कर दिया है, और इसमें जो है इन्होंने चार नए इंडाइसेस अनाउंस कर दिए हैं, और ये कैपिटल मार्केट के साथ-साथ एफएनओ सेगमेंट में भी ट्रेड होगा, और ये 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इन चारों के नाम आपके सामने हैं। एक तो मतलब खुशखबरी जैसा ये निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, ये इसका पहला नाम है। दूसरा जो इंडेक्स है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जिसका रेशियो होगा 50-30-20, तो इसको आप नाम भी कह सकते हो। और जो तीसरा है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रा, जिसका रेशियो 50-30-20, और ये क्या है मैं आपको भी डिटेल में भी समझाऊंगा। और जो चौथा है वो है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। ठीक है, ये चार नए इंडेक्स लॉन्च कर दिए, जिसको आप एज अ ETF भी बाई कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी सारी डिटेल सामने आएंगी, बाकी जितनी चीजें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं नंबर एक वाला निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ टाटा के स्टॉक्स को शामिल रखा गया है। ठीक है, मेजॉरिटी में जो तीन स्टॉक होंगे वो TCS, टाटा मोटर्स और टाइटन कंपनी, और चौथा जो है टाटा स्टील, इसको भी आप मेजॉरिटी में कह सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है TCS का, फिर टाटा मोटर्स का, टाइटन का, टाटा स्टील का, और उसके बाद बाकी सारे स्टॉक्स का वेटेज आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जैसे आप सिंपल सा समझो, निफ्टी 50 आपको पता होगा, बैंक निफ्टी आपको पता होगा, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके से ना। तो जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी 50 में 50 शेयर्स जो निफ्टी 50 के अंदर होते हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव होता है वही निफ्टी 50 में मूव करता है। तो इन शेयर्स के उतार चढ़ाव और मूव पे अब इसका डिसीजन लिया जाएगा, और जैसे ही हम निफ्टी 50 को खरीदते थे वैसे हम इसको कर सकते हैं। ऐसी बैंकिंग वाले स्टॉक्स के लिए आपका निफ्टी बैंक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, फिन निफ्टी के नाम से जानते होंगे जो फाइनेंशियल वाले स्टॉक है, वैसे ही अभी इन स्टॉक्स का एक इंडेक्स बना दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल वैसा ही है, इसमें जो वेटेज है वो आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे सिर्फ तीन स्टॉक ट्रैक करो, और मान लो ये इंडेक्स यही चलाएंगे, TCS, टाटा मोटर्स और टाइटन, बट हाँ इनमें भी अब वॉलिटिलिटी जो है अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। जो अगला है गाइस वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20। ठीक है, तो इसमें 50-30-20 का जो मतलब है वो है एक रेशियो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, निफ्टी 500 इंडेक्स के, ठीक है, जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे उनके वेटेज के हिसाब से। तो इसमें जो लार्ज कैप है वो है अराउंड 50% का, मिड कैप 30% और 20% का वेटेज होगा इसमें स्मॉल कैप का। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे ये काम करता हुआ दिखेगा। उसके साथ ही गाइस जो तीसरा है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रा 50-30-20, इसका भी सिमिलर यही काम है, लेकिन ये जो है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप के जो इंफ्रा वाले स्टॉक्स है ना उनको ट्रैक करके ये बनाया गया है, या उनको ट्रैक करके ये मूवमेंट देगा। और इसमें जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है और लार्ज कैप है उसका वही रेशियो होगा 50-30-20 का, जैसा कि पिछले का था। जैसा पिछला जो था वो ट्रैक करके बनाया गया है, या वो ट्रैक करेगा जो मूवमेंट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये इंफ्रा का, और इसमें आप देख सकते हो नीचे टॉप 10 जो वेटेज वाले इसमें स्टॉक्स होंगे उसमें L&T, RIL, भारती एयरटेल, NTPC, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे मैक्स हेल्थ का नाम मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया, ये हेल्थ वाले में आएगा। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अल्ट्रा सीमेंट, इंडियन होटल, ONGC, अदानी पोर्ट शामिल है। ठीक है, ये जो टॉप 10 है, और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है वो L&T का रहने वाला है 10.35% का, और अदानी पोर्ट का जो वेटेज है वो 2.29% का है। तो ये हो गया आपका तीसरा, इनसे मिला के ये बना हुआ है। और जो लास्ट है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, ये ट्रैक करेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर का होगा। ठीक है, इसमें
में करीब 30 स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स के रहने वाले हैं और इनके ही स्टॉक्स को इसमें डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसलिए इसमें कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ था, आप अगर जो सबसे पहले जाओगे जो हमने न्यूज चैनल पे शेयर किया था तो देखोगे इन दोनों में रेशियो मेंशन था, इसमें रेशियो मेंशन नहीं था, टाटा का मैंने आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से ये एक इंडेक्स बन जाएगा जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और फिर अब ऑप्शन ट्रेड करने के और ज्यादा मौके मिलेंगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये जो इंडेक्स बनाया गया है, देखो एक सिंपल सी बात है भाई, एनएससी को चाहिए पैसा, पैसा, ठीक है, मतलब ये बिजनेस का गेम है और इसीलिए लॉट साइज भी कम किया गया है आप कह सकते हो, बट जो रियल रीजन है वो मैंने बता रखा है, मतलब जो लॉट साइज कम किया गया उससे बिजनेस तो आएगा ही एनएससी को, लेकिन उसका एक रीजन भी है, ठीक है, जो कि इनको करना ही पड़ता है, एक रूल भी है, तो वो रूल मैंने बता रखा उस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। लेकिन ये वाला जो है ये तो कोई रूल नहीं है, बट इसकी बात की जा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि हम इसमें ट्रेड करेंगे सीधे से, भाई ब्रोकरेज जनरेट होके जाएगी एनएससी के प्रॉफिट फंड में, तो सिंपल सा है, इसकी वजह से ही मुझे लगता है किया गया है। बाकी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही फायदा है, जो इसमें सही से ट्रेड कर लेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होगा पॉसिबल, अगर जो होगा सेफ लगा, वॉल्यूम अच्छा रहेगा, तो आपके लिए भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सपोर्ट करने में लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, कुछ सुधार करना हो तो भी, और कुछ सजेशन देना हो तो भी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलता है अगली वीडियो में, करते थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।